हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम ओडिया टेक ब्लॉग चैनल को स्वागत। आज वीडियो रे जानिबा सुमंगल योजना रे 2.5 लाख टंका पाइबा पई किपरि ऑनलाइन रे आवेदन करिवे। जदि आपण अन्य जाति रे विवाह करचंती एवं 2.5 लाख टंका पाइबा को चाहचंती ताहाले आपण आम वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण आम चैनल रे नुवा ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ए वीडियो टिकु लाइक कमेंट शेयर करंतु। ता पूर्वरु चलंतु जानिबा आमे सुमंगल योजना कोन क्यों माने इस योजना को अप्लाई करि परिबे एवं एही योजना को अप्लाई करिया पे कोन कोन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक आसंतु जानिबा। सुमंगल योजना रो मुख्य उद्देश्य हेउची विवाहित दंपति द्वारा निया जायतिबा इंटरकास्ट विवाह रो सामाजिक पदक्षेप को एप्रिसिएट करिबा एवं सेमानंकर दाम्पत्य जीवन रो प्रारंभिक पर्याय रे सेमानंकु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करिबा। एवं एही योजना रे के आवेदन करि परिबे हिंदू जाति एवं हिंदू संप्रदायर अनुसूचित जाति मध्यरे विवाह होइतिबा आवश्यक। ता माने होची हस्बैंड एंड वाइफ को मध्यरु जणे शेड्यूल कास्ट किंबा अनुसूचित जातिर होइतिबा आवश्यक एवं एही विवाह हिंदू विवाह आईन हिंदू मैरेज आक्ट 1955 अनुसार रजिस्ट्रेशन होइतिबा दरकार। ता माने आपण मानको एठी मैरेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक पड़िबो। सेकेंड होची उभय पति एवं पत्नी भारतर नागरिक होइतिबे एवं ओडिसार स्थायी बासिंदा हेबा उचित एवं सेमाने हिंदू धर्मर प्रचार करथुवा आवश्यक। थर्ड पॉइंट पति पत्नी को मध्यरु जणे भारतर संविधानर धारा 341 आर्टिकल 341 रे डिफाइंड हेइतिबा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट रो हेइतिबा आवश्यक। फोर्थ एही प्रोत्साहन राशि घर पई जमी अत्यावश्यक सामग्री किणवा किंबा व्यवसाय बिजनेस करिबा पई दियाजिबो। फिफ्थ एही अनुदान केवल थरे मात्र दियाजिबो प्रथम विवाह करथुवा व्यक्ति को ही एही अनुदान 2.5 लाख टंका मिलिबो। सिक्स्थ द्वितीय किंबा परवर्ती विवाह रे एही प्रोत्साहन राशि दियाजिबो नाही। वर्तमान चलंतु जानिबा केउ केउ सब डॉक्यूमेंट आवश्यक सुमंगल योजना को अप्लाई करिया पई। प्रथमे होउची रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दरकार। द्वितीयटी होउची दुईटी स्पाउस पति आउ पत्नीर दुई जणकर कास्ट सर्टिफिकेट दरकार। थर्ड होची दुई जणकर जॉइंट फोटो दरकार। फोर्थ होची दुईटी एनेक्सर रो सेल्फ डिक्लेरेशन। फोर्थ होची एनेक्सर 2 एनेक्सर 4 डिक्लेरेशन फॉर्म रे दुई जणकर साइन कॉपी। फिफ्थ होची जॉइंट पासबुक रो स्कैन कॉपी। आउ सिक्स्थ होची हस्बैंड आउ वाइफ रो बर्थ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। एटा होची डिक्लेरेशन एनेक्सर 2 रो फॉर्मेट। एथेरे क्लियरली मेंशन अछि जदि आपण 5 वर्ष भितर आपणकर जदि डिवोर्स हो जाउछि ताहले आपणकु टोटल अमाउंट को रिफंड करिया को पड़िबो। ता सहित एनुअल इंटरेस्ट 6.5% भी आपण मानको टू रिकवरी होबो। एटा होछि एनेक्सर 4 डिक्लेरेशन फॉर्म। एथेरे क्लियरली लेखा अछि आपणकु जो अमाउंट मिलिबो 2.5 लाख टंका सेटा लॉक इन पीरियड रहबो 3 इयर्स। आपणकर से 3 वर्ष पय फिक्स्ड डिपॉजिट हिसाब रे आपणकर बैंक रे डिपॉजिट हे रहबो। आपण से 3 वर्ष बैंक पैसा को उठै परिबे नाही। ए जो दुटा डिक्लेरेशन फॉर्म रे दुई जणकर हस्बैंड आ वाइफ रो डुली साइन रहबो। वर्तमान जानिबा किपरि आमे ऑनलाइन रे अप्लाई करिबा सेथि पय आपण आपणकर कंप्यूटर जे कोनोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करंतु। गूगल रे एटी सुमंगल लेखि सर्च करंतु। आपणको प्रथमे जो वेबसाइट टी शो करूची sumangal.odisha.gov.in से वेबसाइट लिंक उपर क्लिक करंतु। वर्तमान सुमंगल रो ऑफिशियली वेबसाइट टी ओपन हे सर्ची। एठी मु जहा भी आपणको कहली हु कैन अप्लाई के अप्लाई करि परिबे केउ माने अप्लाई करि परिबे आ कोन कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार एथेरे क्लियरली एठी मेंशन अछि वेबसाइट रो होम पेज रे। चलंतु आमे अप्लाई करि देखिबा। जदि आपण आगरु रजिस्ट्रेशन करि सारिछन्ति ताहले लॉगिन करि निवंतु। जदि आपण आगरु रजिस्ट्रेशन करि नाहांति ताहले रजिस्टर्ड हियर उपर क्लिक करंतु। एठी आपणकर फुल नेम दियंतु पासवर्ड टी सेट करंतु आपणकर ईमेल आईडी दे दियंतु। एठी आपणकर कन्फर्म पासवर्ड टी को पुणि थरे अगेन टाइप करंतु। एठी आपणकर मोबाइल नंबर टी को टाइप करंतु। वर्तमान एठी जनरेट ओटीपी उपर क्लिक करंतु। आपणकर मोबाइल को जाइथिबा ओटीपी को एठी एंटर ओटीपी जगह रे टाइप कर नियंतु। देन आपणकर एठी परमानेंट एड्रेस को टाइप कर नियंतु। एठी आपणकर कैप्चा जहाँ लेखा अछि आपण सेम कैप्चा को एठी टाइप करंतु। स्टेट चूज करंतु।
एठी आपण आप्लिकेंट टाइप आपण जदि हजबैंड ताले हजबैंड को क्लिक करंतु जदि वाइफ वाइफ को उपरे क्लिक करंतु देन रजिस्टर उपरे क्लिक करंतु वर्तमान एठी राइट साइड थिबे अप्लाई बटन उपरे क्लिक करंतु एठी आपण लेफ्ट साइड हजबैंड रो डिटेल्स को फिल अप करंतु एवं राइट साइड आपणकर वाइफ रो डिटेल्स को फिल अप करंतु बोथ साइड हजबैंड आ वाइफ रा आधार नंबर को टाइप करंतु देन आपण यदि आपण हजबैंड आ वाइफ रा एड्रेस को सेम रखिया पय चाहौचो ताले एठी टिक ऊपर क्लिक करंतु देन तळ को स्क्रॉल करंतु वर्तमान एठी ऑक्युपेशन ऑफ हजबैंड हजबैंड कोन करूचंती से ऑक्युपेशन को एठी टाइप करंतु हजबैंड रा मंथली इनकम को एठी मेंशन करंतु सेमिति वाइफ कोन करचंती वाइफ कर ऑक्युपेशन को मध्ये एठी टाइप करंतु सेवळे भाबरे वाइफ रा मंथली इनकम को मध्ये एठी टाइप करंतु आपण एठी सिलेक्ट करंतु कि आपणकर हजबैंड आ वाइफ भितर किए एसी कैटेगरी को बिलोंग्स करचंती सेटा आपण एठी चूज कर नियंतु चूज कर सारला पर एठी सबकास्ट को सिलेक्ट करंतु आमे आगुरु जो कहउथिले आर्टिकल 341 आर्टिकल 341 अनुसार आर्टिकल 341 अनुसार एतिकी ही सबकास्ट आमर रजिस्टर्ड अछि तो या भितर आपणकर सबकास्ट को आपण सिलेक्ट कर नियंतु देन आपणकर हजबैंड कर डेट ऑफ बर्थ को एठी सिलेक्ट करंतु वाइफ रो डेट ऑफ बर्थ को मध्ये सिलेक्ट करंतु एक्चुअल डेट ऑफ मैरिज आपनकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रे जो डेट मेंशन होची से डेट को एठी सिलेक्ट कर नियंतु से पचाचो हैज द मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड यदि आपनकर मैरिज रजिस्टर्ड ताले यस रखंतु यस ही रखिया को पडिबो काहे ना मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी अटे तो सेति पई आपन यस को सिलेक्ट करंतु देन आपनकर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर को एठी टाइप कर नियंतु एठी आपणकर मैरेज रजिस्ट्रेशन डेट को एठी सिलेक्ट कर नियंतु एठी आपणकर मैरेज रजिस्ट्रेशन ऑफिस नेम को एठी टाइप कर नियंतु देन आपणकर एठी मेंशन करिया पडिबो जदि आपणकर फर्स्ट मैरेज यस जदि आपणकर सेकंड किंबा सबसिक्वेंट मैरेज ताले नो रखिया पडिबो किंतु आपण 2.5 लाख टका पाइबा कहले आपणको यस को ही करिया पडिबो काहेकि ना फर्स्ट मैरेज रे ही आपणको इंसेंटिव मिलिबो सेकंड मैरेज को आपण इंसेंटिव नाही तो एठी यस रखंतु आपणकर वाइफ रो भी यस रखंतु फर्स्ट मैरेज देन जदि विडो हिथिबे ताहले ताले यस करिवे जदि विडो नाहनी ताले नो को क्लिक करंतु नो को सिलेक्ट करंतु नेक्स्ट हेज एनीबॉडी ऑफ देम रिसीव द ग्रांट आपण जदि ए ग्रांट आगुरु पाई सारचंदी ताले यस करिवे जदि पाई नाहनी देन नो उपर सिलेक्ट करंतु देन मेंशन द ग्रांट डेट जदि आपण एटा यस करिवे ताले एटा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हिजो जदि एटी आमे नो रखुचे ताले एटी ऑटोमेटिकली हाइड हिगे अछि देन आपण एटी तळकु टिके स्क्रॉल करंतु एठी आपणकर जो जॉइंट अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करथिबे सेई जॉइंट बैंक अकाउंट रो अकाउंट नंबर एठी टाइप करंतु एठी अकाउंट रो होल्डर नेम एंड बैंक नेम को एठी टाइप करंतु देन आपणकर ब्रांच नेम आ आईएफएससी कोड को मध्ये एठी टाइप कर दियंतु एबोली बाबरे बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल को मध्ये फिल अप कर नियंतु तापर तळकु टिके स्क्रॉल कला पर आपण देखि पारथिबे अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन एठी आपण सब डॉक्यूमेंट को अपलोड कर नेबे आपण जो एनेक्सर 2 आ एनेक्सर 4 आगुरु देखौथिलि से एनेक्सर 2 आ 4 एठी आपण डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर रे आपण पाई परिबे एठी एनेक्सर 2 अछि एनेक्सर 4 अछि आपण जो फॉर्मेट दरकार एठू डाउनलोड करिकि आपण डोली साइन करिकि आपण स्कैन करिकि आपण एठी अपलोड मध्ये करि परिबे तो प्रथमे देखि नबा अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन रे कोन कोन सब अछि प्रथमे जॉइंट फोटो अछि हस्बैंड एंड वाइफ रो देन आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट रहउछि कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करिया को पडिबो देन स्पाउस रो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिया को पडिबो नेक्स्ट आपणकर बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेंट रो अपलोड करिया को पडिबो सेइ भली बारे स्पाउस रो मध्ये बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करिया को पडिबो देन आपणकर रहउछि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करिया को पडिबो देन आपणकर जॉइंट बैंक अकाउंट रो स्कैन कॉपी एठी अपलोड करिया को पडिबो नेक्स्ट रहउछि ड्यूटी डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेरेशन 1 रे आपणकर एनेक्सर 2 को अपलोड करिवे एंड डिक्लेरेशन फॉर्म 2 रे आपण एनेक्सर 4 को अपलोड करिवे ए सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सारला पारे आई हियर बाय को टिक कर दियंतु देन सबमिट एंड पे उपर क्लिक करंतु सबमिट एंड पे उपर क्लिक कर सारला पारे आपणको गोटे मिनिमल अमाउंट 250 रो अमाउंट पेमेंट करिया को पडिबो पेमेंट
ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସୁମଙ୍ଗଳ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।